विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचम के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां नया साल मनावे के दौरान हुड़दंग मचावे और शराब पी के गाड़ी चलावे वाले लोगन पर नकेल कसे खातिर रीवा पुलिस मास्टर प्लान तैयार की ही सी। बताई दी कि पूर्व जिला के पुलिस 31 दिसंबर से लई के 1 जनवरी तक हाई अलर्ट रही। ए दौरान ड्रोन के माध्यम से पुलिस आसमान से नजर रखी। मुहैन बताई दी कि पुलिस बल जमीन पर तैनात रही। नए साल के सुरक्षा तैयारी के जायजा ले के खातिर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, शहर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह परिहार, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा, चौराहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, बिछिया थाना प्रभारी प्रियंका पाठक, समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता, महिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी के साथ शहर के भ्रमण के हैं। आज 31 दिसंबर की तैयारियों को लेके पूरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च और राका अभियान ज्वाइंटली किया गया है। शहर के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन का फोर्स और जो फोर्स हमें भोपाल से मिला है उसको लेके पूरे में जनसंवाद भी किया गया है, अवारा तत्वों को चेक भी किया गया है और मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि आप नववर्ष मनाइए, खुशियाँ अपने दोस्तों से बांटिए, परिवार से बांटिए, पर कानून का उल्लंघन नहीं कीजिए, शराब पी के वाहन नहीं चलाएं, नशे में वाहन नहीं चलाएं, तीन सवारी ना बैठें और हमें किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को ना ऐसा करना पड़े, इसके लिए पहले से आपसे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको अपील कर रहे हैं, सब लोग मिलकर स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, पर कानून का उल्लंघन ना करें। थैंक यू। आपको चालानी कार्रवाई भी की गई क्या इसके दौरान? वो पार्ट है हमारे अभियान का, अभी और हमारा अभियान चलेगा, अभी पूरा फोर्स हमारा 5 पार्ट में बट के 5 जगह पर चेकिंग लगाएगा, फिर उसके बाद नई 5 जगह चुनी जाएंगी, तो लगातार कार्रवाई लेट नाइट तक जारी रहेगी। गगेव जनपद और संपूर्ण रीवा के अधिकतर राशन के दुकान में सर्वर और देरी से खाद्यान्न सप्लाई के समस्या के कारण खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। जिला के अधिकतर शासकीय राशन के दुकान में देरी से खाद्यान्न पहुंचे के कारण अब सर्वर की समस्या सौहे आ रही है। पुरान साल से नया साल 2023 में पदार्पण के साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सर्वर से संबंधित तकनीकी अधिकारी इतना मशगूल हो गए कि उनका आम गरीब जनता की मुसीबत नहीं दिखाई रही है। बताई दें कि हैदराबाद और बेंगलुरु से संचालित होए वाली तकनीकी सर्वरन में नया साल 2023 की छुट्टी के कारण आम जनता का बहुत तकलीफन के सामना करे पड़त लाग है और गरीब व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं। जब नहीं लागे किया मैं आ यार, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड विभाग का सर्वर काम नहीं कर रहा है। हम आज सिधा ग्राम पंचायत में हैं, जनपद पंचायत गंगेव में, और पिछले 2-3 दिन से यही हालत है। यहाँ पर खाद्यान्न बहुत लेट डिलीवर हुआ है 27 दिसंबर को, और अब दिसंबर पूर्ण होने वाला है, लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं। और फूड इंस्पेक्टर से भी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने सर्वर की समस्या बताई है, लेकिन ये सर्वर हमेशा यदि दिक्कत करेगा तो लोगों को खाद्यान्न कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 27 दिसंबर को खाद्यान्न यहाँ पर गिरा हुआ है, देखिए किस तरह से एरर मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आया, कृपया बायां अंगूठा और दायां अंगूठा स्कैनर पर एक के बाद एक उंगली रखें। कोई इसमें देखिए कि किस तरह से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सर्वर यहां पर काम नहीं कर रहा है, ये दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं यहां पर। आज ये 31 दिसंबर की तिथि में ये स्थिति है और ये इनका रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर में आप देख सकते हैं कि टोटल अभी तक वितरण जो है मात्र 14 लोगों का हो पाया है पिछले 4-5 दिन में, ये सर्वर की दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? किस ग्राम पंचायत से हैं? गंगेव जनपद का है, रीवा। क्या समस्या जा रही है? समस्या हम लोग है टोटल वाली है, सर्वर नहीं मिल रहा है, परेशानी है, सर्वर नहीं मिलता है इसलिए खाद्यान्न आपको नहीं मिल पाया। क्या नाम है? राम भोल गौतम। कहाँ से हैं? नेवरिया के, सिधा पंचायत गंगेव जनपद रीवा। जी हाँ। क्या समस्या आज है? ये सर्वर नहीं आ रहा है, इसीलिए गल्ला खाद्यान्न जो है वो नहीं मिल रहा। कितने दिन आ चुके हैं? अरे यार, दो 3-4 दिन से हो गया। 3-4 रोज से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मन्ना शुक्ला। कहाँ से हैं? नेवरिया। क्या दिक्कत हो रही है? सर्वर तो खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है जी। अच्छा, इसकी शिकायत सर्वर की फूड इंस्पेक्टर से की है आप? जी, नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम आपका? क्या नाम है? सुमन।
कहाँ से हैं? लोहरा। ये सिद्धा पंचायत गंगेव जनपद। हाँ, लोहरा। हाँ, तो क्या समस्या है? सर्वर सर्वर नहीं, सर्वर नहीं है तो खाद्यान्न नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास त्रिपाठी। ये खाद्यान्न में आज क्या दिक्कत आ रही है दो तीन दिन से? सर्वर नहीं है, सर्वर होने के कारण थोड़ा परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास। यहाँ खाद्यान्न में क्या दिक्कत आ रही है? सर्वर नहीं मिल पा रहा है। कितने दिन से सर्वर की दिक्कत हो रही है? हम तो आज अंत कहीं के नहीं आ वाला। क्या नाम है आपका? ओपका। सिद्धा पंचायत से हैं? नहीं। हाँ, सिद्धा पंचायत से। ये सर्वर की क्या दिक्कत आ रही है खाद्यान्न के लिए? सर्वर ये समय नहीं आ रहा है, बहुत कम लग रहा है। अच्छा, इसलिए खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? चंद्रभा। किस पंचायत से हैं? इससे भी ले सकते हैं, दूसरी पंचायत से भी। तो यहाँ सर्वर आज नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है सर्वर की? सर्वर नहीं, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। रीवा जिला में एक किशोरी का हवस के शिकार बनावा गया है। बतावा जात है कि यह मामला में एक ठे औरतव शामिल रही है, जे के मदद से आरोपी लंबे समय से किशोरी का हवस के शिकार बनावत रहा है। अमर बच्चन का बताई दी कि पीड़ित के शिकायत पर महिला पुलिस दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के धारा के तहत जान से मारे के धमकी दे के मामला दर्ज कर ली सी। महिला पुलिस आरोपी का हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। आई अपना पंचे सुनी या मामला का लेके एसपी नवनीत भसीन का कहत लांग है। बिछिया थाना क्षेत्र में एक बच्ची ने आके जब घटनाक्रम बताया था तो महिला थाना ने तत्परता से उस पर कार्रवाई की और न सिर्फ मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है अपितु उस बच्ची ने जो बताया था कि जिस लड़की ने सहयोग किया इस घटनाक्रम में उसको भी पुलिस ने महिला थाना ने राउंड अप किया है और अभी स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके अनुसार विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। सर, सहयोग करने वाली बच्ची बालिका है? अभी उसकी पूछताछ महिला थाना प्रभारी उनसे बातचीत कर रही है, जो डिटेल अभी तक शाम तक आएगी वो आपको अपडेट करेंगे। खबर रीवा जिला से है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तत्परता के चलते बड़ा चोर पकड़ा गया है, जो उनकी लंबे समय से चोरी के वारदातन का अंजाम दे रहा है। जेके पास से चोरी के काफी मात्रा में सामान बरामद किन गया है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे मोड़ के बताई जात लागी। बताई दी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे मोड़ में बने डेगावल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड चोर का पकड़ी से, जो उनकी लगातार डेढ़ महीना से चोरी करत रहा है। मौका से सिविल लाइन पुलिस पहुंच के चोर का गिरफ्तार कर ली थी और पूछताछ कर रही थी। चोर करीब एक डेढ़ महीने से सक्रिय था, कई बार हम लोगों ने देखा चोरी करते हुए सुरक्षा कर्मियों द्वारा बताया गया, लेकिन ये भाग जाता था हमेशा। दिग्बल सिक्योरिटी एजेंसी का काम है यहाँ पर, तो मेरी एजेंसी द्वारा यहाँ सुरक्षा गार्ड लगाए हुए हैं। अब तीन बार यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, अगर चोरी हुई तो सुरक्षा कर्मियों का वेतन कटना सीधे से। तो आज सुबह फिर करीब चार पाँच दिन से लगातार खबर दे रहे थे सुरक्षा कर्मी कि मतलब ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आता है इस साइड से। अब चूंकि गार्ड अकेला होता था तो पकड़ नहीं पाता था, तो आज हम 8-10 लोगों ने सुबह 3 बजे से यहाँ फील्डिंग किया और अपने इस कॉम्प्लेक्स के चारों साइड दूर दूर आदमी बैठा दिए और करीब 8-8:30 बजे के करीब ये चोरी की वारदात करके सामान बाहर पार किया और लेकर के निकल रहा था। इसके साथ 3 साथी और थे, तो और तो नहीं पकड़ पाए। करीब 2.5 किलोमीटर भगा कर इसको पकड़ा गया है और ये नशे की हालत में भी है और बाकी शायद बड़ा क्रिमिनल है ये, और इसके पकड़े जाने से बड़ी चीज़ों का वारदात खुलासा हो सकता है। ये मोबाइल चोरी की घटना को भी अंजाम दिया है ये, करीब 300 कुंटल लोहा ये चोरी कर चुका है यहाँ से, और भी अन्य सामान तो कंस्ट्रक्शन लाइन है, गिनती ही नहीं है क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या है, रेलवे मोड़ है, मतलब कहा जाए तो पूरा दिन 100 वाहन खड़ा रहता है, तो क्या वाहन नहीं रहता, पुलिस की गश्त नहीं रहती क्या? वाहन यहाँ पर नाइट में तो कभी कभी आता है, पर रेगुलर यहाँ पर वाहन खड़ा नहीं मिलता है हमको। वाहन नहीं रहता? नहीं, वाहन नहीं रहता है यहाँ। कौन सी जगह है ये? जगह है रेलवे ओवर ब्रिज है, रेलवे मोड़ पे ही है, जस्ट अष्टविनायक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर जबकि ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है अपने रीवा का, पर यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्रा, दिग्बल सिक्योरिटी रीवा संचालक हूँ मैं। किशोरी का 70,000 रुपया में खरीद के ओखे साथ ब्याह रचावे वाले आरोपी का मऊगंज पुलिस दमोह से गिरफ्तार कर ली सी। पकड़ा गया आरोपी पीड़िता के दस्तयाब होए के बाद से फरार रहा। पुलिस ओखे लगातार तलाश में जुटी रही है। यह मामला में अबे एक आरोपी फरार है, जेकर तलाश पुलिस कर रही है। मऊगंज थाना क्षेत्र से एक किशोरी 11 जनवरी 2018 का लापता भय रही, जे ही पुलिस 18 सितम्बर 2022 का बरामद किए रही।
किशोरी अपने बयान में सीता साकेत और गुलशेर अहमद द्वारा बहलाए फुसलाए के ले जाए के दमोह जिला के गुड़ा गांव निवासी विक्रम अहिरवाल का 70,000 रुपया में बेचे की जानकारी दी सी। बताई दी कि आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है और मऊगंज पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय में पेश कर दी सी, जे ही पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज देगा है। रीवा में फिर एक बड़ा हादसा भा है। बताई दी कि यह घटना होते पुलिस और एम्बुलेंस का फोन लगावागा, लेकिन हालात या में रहे कि दुर्घटना के बाद लोग सड़क में तड़पत रहे और एक घंटा बाद एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच पाई। बताई दी कि एम्बुलेंस और लोग सड़क से निकलत रहे, लेकिन घायलन का ध्यान नहीं दी। घटना गुड़ थाना क्षेत्र के महसाव चौरसिया ढाबा के लगे के बताई जा रहा है। आज खातिर इतना ही। बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।